छिंदवाड़ा जिले के चौराई विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ब्लॉक बिछुआ में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में अध्ययनरत 420 छात्राओं में से मात्र 105 छात्राओं का ही खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, जिससे छात्रावास संचालन में कठिनाइयां हो रही है। साथ ही अधीक्षक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त छात्रावास का जुलाई अगस्त माह का खाद्यान्न अभी तक आवंटन नहीं हुआ। वर्तमान में छात्रावास खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं। माह जून से अप्राप्त है अभी तक। माह जून कौन से वर्ष? माह जून ये चल रहा है जो अभी वर्ष बताइए ना, 2022 22 पे भी जो बीता है। कितने माह से आवंटन राशन नहीं मिला? ये लगभग 3 माह हो गया। कितना मिलता है एक माह? एक माह में मिलता था मुझे 105 बच्चियों का 12 कुंटल 60 किलो गेहूं मिलता था और 3 कुंटल 15 किलो चावल मिलता था, पर अभी वो भी मिलना बंद हो गया है। बिछुआ में कन्या शिक्षा परिषद जो छात्रावास है उसमें विगत 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को मीनू के हिसाब से वहाँ पे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कन्या शिक्षा परिषद कन्या शिक्षा परिषद में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसके माध्यम से राशन का मिल रहा है जी सर। की मैंने खुले बाजार से जो है खाद्यान्न खरीद रहे हैं। तो सर ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या, इसके लिए आपने यहाँ से कागज आगज भोपाल? इसके विषय में ये है कि विगत 2 साल से जो है कोरोना काल में हमारी संस्थाएं बंद थीं, तो संस्था बंद होने के कारण जो है बच्चों का जो रिन्यूअल होता है, नवीनीकरण होता है, वो पोर्टल के थ्रू नहीं हुआ। तो उसके कारण जो है वो खाद्यान्न का जो आवंटन है वो जनरेट नहीं हुआ है। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।